हेलो बच्चों, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मुझ पर और मेरी टीम पर इतना भरोसा दिखाया, इतना भरोसा दिखाया, इतना प्यार दिखाया, इतना दिखाया कि बेटा मैं इसका मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बच्चे हम लोगों से इतना प्यार करते। आपका जो रिस्पॉन्स है एडमिशन को लेके, हमको लेके, सर बेटा इतना प्यारा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकूँ। मेरी आंखों में आंसू है। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो। बच्चों मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों मैं बिल्कुल लेना चाहता हूँ आप लोगों का एडमिशन, लेकिन बेटा हमारी जो स्ट्रेंथ है तीनों बैच की वो ओवरफ्लो हो चुकी है ऑलरेडी। हम जितना ले सकते थे हमने उससे ज्यादा ले लिया है। देखो बेटा क्या होता है, अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि आप नीचे बैठ जाओगे, आप कॉर्नर में बैठ जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बेटा, लेकिन बाद में आप ही लोग हमारे ऊपर नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो हमारा एक क्वालिटी है, हमारी एक कंडीशन है, हमारी एक पॉलिसी है, हम जितने बच्चों को लेते हैं हम उतने ही बच्चों को लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट ईयर हम लोगों ने 4 बैच रन किए थे, लेकिन इस बार हम 3 करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे। हमारे लिए पैसों से ज्यादा हमारे बच्चों का टाइम मायने रखता है, और यही ये बच्चे जानते हैं। इस वजह से आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मतलब आप लोग का जो प्यार है ना, मतलब यार मैं सच में यार रो देता हूं यार ये देख के कि कितना प्यार करते हो आप लोग। मतलब हमारा जो स्टाफ है, जो मतलब जो बैठ रहे हैं एडमिशन काउंटर पे, वो लोग बोलते हैं कि सर मैं पागल हो जा रहा हूँ, इतने सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों का एडमिशन लेना है, मतलब हम कुछ लोगों को भी ध्यान भी नहीं दे पा रहे। उसके लिए हमको मतलब हमें आपको कान पकड़ कर सॉरी बोल रहा हूँ बच्चों, हम नहीं कर पा रहे इतना। आपका जो प्यार है वो हम नहीं ले पा रहे हैं, दिक्कत यहाँ पे ही आ रही है। तो बच्चों देखो प्लीज़ अभी एडमिशन के लिए मतलब मुझे मत बोलो, क्योंकि बहुत दिक्कत है बेटा, नहीं करवा सकते। मैं नहीं, कोई नहीं करवा सकता। देखो बेटा कहाँ कराएंगे ये बताओ, मैं पढ़ाते समय अपने सिर पे बिठाऊंगा कि आपको? नहीं ना बेटा, हम नई बिल्डिंग में भी जा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने उस स्ट्रेंथ का सिर्फ 80% ही लिया है, क्योंकि हम चाहते, क्योंकि अभी मैंने देखा कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने तो अपनी क्लास में 100-100 लोगों को भर लिया था। बेटा क्यों भरा था आपको पता है? उस बच्चे को मैं ये रिप्लाई करना चाहता हूँ, क्यों भरा था? कभी आप यहाँ पे आओ, एक बार बाहर खड़े हो जाओ, मेला लगा रहता है यहाँ पे। इसलिए भरा था क्योंकि बच्चे रो रहे थे हमारे सामने, और मैं अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकता। और वो भी पता है कि शुरू में ही रहता है, 1-2 महीने का ही रहता है, उसके बाद पता क्या होता है, उसके बाद 50% स्ट्रेंथ हो जाती है। तो मैं चाहूं तो अभी 400 बच्चों को एक बैच में भर सकता हूं, मुझे पता है कि 1.5 महीने बाद 150 स्ट्रेंथ हो जाएगी, लेकिन इस बार 400 की अगर स्ट्रेंथ है ना एक बैच की, तो वो 400 ही रहेगी। क्योंकि आपको भी पता है जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनको पता है हमने कौन सा फॉर्म फिल कराया है। कौन सा फॉर्म है बेटा? पता तो है ना, नियमित क्लास आएंगे, नियमित टेस्ट देंगे, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा कौन सा है कि आप जो मार्क्स बता रहे हो वो उतने आ रहे हैं, भारी अंतर आने पर हम आपको यहां से अलविदा कह देंगे, क्योंकि हम उन बच्चों को ही रखेंगे जो मेहनत करना चाहते हैं, और हम अपना सिलेक्शन रेशो 100% रखेंगे। अभी तो हमने 300 में 100 प्लस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा है ना। मैं 300 प्लस क्यों बोलता हूँ, मैं 400 क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि 100 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 10 दिन आते हैं उसके बाद क्लास आना ही बंद कर देते हैं। उनको पता चल जाता है कि हमसे बेटा हम मेहनत करने से नीट एग्जाम निकलता, मेरे पढ़ाने या ना पढ़ाने से नहीं निकलता, हमारी टीम के पढ़ाने ना पढ़ाने से नहीं निकलता, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। और हम जो मेहनत करते हैं ना उसका 1% भी कर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं क्या बोलूं बेटा, आप लोग का मुझे इतना शुक्रिया अदा करना है कि मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्दों में तो कर ही नहीं सकता जो आप लोग का प्यार है। और ये प्यार मैं बता रहा हूँ ऐसे ही बना के रखूंगा, कम स्ट्रेंथ में मैक्सिमम रिजल्ट दूंगा। और बेटा अपनी ग्रैंड आइटनरी खोलो, मैं बोलता हूँ क्लास में, मैं बोल सकता हूँ इतने बच्चे पढ़ा के तो लोग BMW में घूमते हैं, लेकिन हम नहीं घूमेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मुझे क्या जरूरत है यार, इतना बच्चों का प्यार है, ये प्यार ही मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे क्या जरूरत है BMW की, मेरी ग्रैंड आइटन ही सही है। और चाहो तो मैं तो अभी साइकिल से घूमूंगा, लेकिन बच्चों के लिए कमी नहीं आने दूंगा। एक चीज और, बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा तुमको, तो पता है अब एक छोटा सा हॉस्टल मैंने रखा है, उस हॉस्टल का मैं 20,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, और मैं बच्चों से कितना ले रहा हूँ उसके, 15,000 रुपये, और मैंने 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वहाँ, AC लगाया है, मैं AC रूम 2,500 में दे रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हीं बच्चों को दे रहा हूँ जो मेहनती बच्चे हैं। और जो बच्चों वहाँ रहेंगे ना, आपको लग रहा है सर तो कुछ भी बोल रहे हैं, जो बच्चों वहाँ रहेंगे ना, अभी एक वीडियो आएगा यूट्यूब पे, बिल्डिंग का भी एक यूट्यूब पे वीडियो है, सबका आएगा बेटा। आप लोग का प्यार जो मिल रहा है ना, और जो बच्चे हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ना, आपके लिए टेस्ट सीरीज है। और याद रखिए इस बार हम 3 बैच ले रहे हैं, तो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। टेस्ट सीरीज में भी आपको डाउट है, कुछ भी है, मैं हूं, मैं और हमारी टीम हमेशा लगे हुए हैं आप लोगों के साथ, और हमेशा लगे रहेंगे। पैसा कमाना मोटिव नहीं है, यहां को बदलना मोटिव है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लगने दो, और बुरा लगाएंगे, ठीक है बच्चों? तो आप लोग का ये प्यार बना रहे। चलो यही सभी बातें मुझे आपसे करनी थी, ठीक है।